इस बेल आइकन को दबाइए। फिल्म थप्पड़ में कहा गया, तो दोस्तों जैसा कि फिल्म थप्पड़ में बताया, दोस्तों फिल्म थप्पड़ में जैसा कि फिल्म थप्पड़ में क्या हो गया, रिकॉर्डिंग चालू। भाई लाइव कैमरा एक्शन कुछ तो बोलते हैं ना, सिटी में यार। चलो फिर ऐसे ही से लेट्स डू इट। बॉलीवुड और शब्द थप्पड़ का जब भी हम कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में फिल्म दबंग में सोनाक्षी सिन्हा द्वारा कहा गया डायलॉग, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब प्यार से लगता है, या फिर पुरानी फिल्मों में कान के नीचे लगाऊंगा थप्पड़ जैसे धमकी देने वाले बोलेंगे डायलॉग ही आ पाते हैं। परंतु हाल ही में अनुज सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म थप्पड़ बेशक आपके अनुभव को बढ़ाने और एक अलग स्वाद देने का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और स्वागत है आपका फिल्म रिव्यू देने के मेरे पहले प्रयास में। जैसा कि मूवी का नाम ही है, पूरी फिल्म भी थप्पड़ के आसपास ही घूमती नजर आती है। फिल्म में कास्टिंग की बात करें तो मुख्य भूमिका में है तापसी पन्नू, जिन्होंने की एक हाउसवाइफ अमृता सबरवाल का रोल किया है। वहीं पति विक्रम सबरवाल की भूमिका में है पवेल गुलाटी। कुमुद मिश्रा ने पिता सचिन साधु, तो माँ का दमदार रोल किया है रत्ना पाठक जी ने, और सास की भूमिका में है तन्वी आजमी। इन सब के अलावा छोटी मोटी भूमिकाओं में है राम कपूर, मानव कौल, दिया मिर्जा, ग्रीस ग्रेसी गोस्वामी, और नौकरानी का खूबसूरत किरदार निभाया है गीतिका विद्या ओहलान ने। आप में से कईयों ने फिल्म की कहानी अखबारों या फिर बॉलीवुड न्यूज चैनलों के माध्यम से सुनी होगी, जिसमें एक पति अपनी पत्नी पर एक पार्टी के दौरान थप्पड़ मार देता है और पत्नी उस थप्पड़ के बाद पत्नी से तलाक ले लेती है। आप में से कईयों ने पढ़कर ये भी कहा होगा, क्या बकवास है यार, अगर हर जगह ऐसा होने लगे तो फिर हो गया कल्याण, और वो भी सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से। कईयों ने आपको मूवी न देखने की सलाह दी होगी, खासकर वाइफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा करके न सिर्फ आपने एक खूबसूरत फिल्म को मिस कर दिया, बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ विरोध का जो झंडा हम अपनी फेसबुक पोस्ट में समय समय पर दिखाते रहते हैं, उसकी असल जड़ें हमारे घरों में पड़ी होती हैं, जिसे हम पहचानते भी नहीं हैं, को समझने का एक शानदार मौका भी खो दिया। अन्य फिल्मों की तरह महिला सशक्तिकरण को दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुरुष करैक्टर को बहुत ही खराब दिखाया गया हो, या पति की इमेज को शोषण करने वाला बनाया गया हो, या अत्याचारी बनाया गया हो। फिल्म में पति विक्रम से भी आप उतना ही अटैच होते हो जितना कि पति अमृता से। फिल्म में कई ऐसे पल हैं जिसे कि आप अपने घर या मोहल्ले की किसी न किसी घटना से जोड़कर देख सकते हो, और एक पल के लिए आप सोच सकते हो कि अरे हाँ, ये तो हर परिवार में आम बात है। अमृता जो कि एक हाउसवाइफ है, और ये उसने अपनी खुशी से सुना है, वो अपने आप से काफ़ी खुश है और अपने पति की हर कामयाबी या परेशानी में वो अपने पति का साथ देना चाहती है। एक आदर्श पत्नी और परिवार का सीन फिल्म मस्से से चल ही रहा होता है कि फिर आता है एक हाउस पार्टी का मूड, जहां पर ऑफिस की किसी बात पर कलीग से बहस कर रहे विक्रम के बीच बचाव में आ रही अमृता पर जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। यकीन माने इस रिव्यू को देखकर या पढ़कर आप फिल्म देखने का मजा बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला। ये आधा अधूरा सार तो आपको पता ही है, वो थप्पड़ केवल एक थप्पड़ नहीं था, अमृता के लिए वो पल समय के साथ गुजरने वाला नहीं था। वो थप्पड़ एक बाप के द्वारा अपने बेटी या बेटा, या एक बड़े भाई द्वारा अपने छोटी बहन या छोटे भाई को मारे जाने वाला आम थप्पड़ नहीं था, जो कि हमारे समाज में काफ़ी हद तक एक्सेप्टेड है, या कहें तो कुछ हद तक या कुछ सीमा तक जायज़ माना भी जाता है। खैर छोड़िए, वो तो एक अलग बहस का मुद्दा है। अमृता के लिए थप्पड़ से ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि परिवार के हर सदस्य द्वारा इस बात को साधारण बात मान के भूल जाने का एक्सपेक्टेशन। हर किसी को लगता तो है कि ये गलत हुआ है, पर उसके पीछे ऑफिस का वर्कलोड या प्रेशर को बताकर उसे जस्टिफाई कर देना। उसका छोटा भाई, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसे समझाती है कि बेटा ये सब तो चलता रहता है, इसे तूल ना दे। पति उसे मनाने के लिए तोहफा भी देता है, उसे डिनर पे भी ले जाता है, पर दिल से सॉरी ना बोलकर सारी गलती ऑफिस की टेंशन पर डाल देना अमृता की समझ से बिल्कुल भी परे था। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो बिना समझाए ही बड़ी बात बोल देते हैं। नौकरानी के अपने पति से मार खाने को तो हम डोमेस्टिक वायलेंस आसानी से कह देते हैं, पर अपने घर में छिपे डोमेस्टिक वायलेंस को कहीं ना कहीं हम अनजान रहते हैं, या उसे उस श्रेणी में मानते ही नहीं है, जबकि उसकी शुरुआत भी एक थप्पड़ से ही होती है। क्या फ़र्क पड़ता है एक थप्पड़ से, पर क्या गारंटी है कि एक ही थप्पड़ होगा। फिल्म में कुछ सीन यकीनन आपका प्रोग्रेसिव मॉडर्न यूथ होने का भ्रम तोड़ सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ का अपनी बेटी को हर वो बात समझाना जो उसकी माँ द्वारा उसे समझाया जाता है, परिवार को जोड़ के रखने के लिए हर वो संभव कोशिश जो उसे करनी होती है, परिवार के उस सदस्य की कामयाबी में भी कहीं ना कहीं हम अपने लिबरल होने या सपोर्टिव होने का क्रेडिट लेते रहते हैं। पत्नी के मायके जाने पर नौकरानी को एक्स्ट्रा टिप देना,
जैसे कई सीन आपको बेशक अपने समाज के उस अनछुए व अनजान पहलू को दिखा देंगे, और जाने अनजाने हम भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर ही देते हैं। अगर हमारा गुस्सा अपने बॉस से है तो लॉजिक के हिसाब से तो हमें थप्पड़ उसे मारना चाहिए, पर क्या हम ऐसा करेंगे? आप में से हर कोई यही कहेगा नो वे। तो फिर वाइफ पर मार के उससे जस्टिफाई करना कहाँ का प्रोग्रेसिव थॉट होगा? भले इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उस थप्पड़ को हम एक हिट ऑफ द मोमेंट कह के जायज ठहरा दें, पर अमृता के शब्दों में कहीं पल से मैं अपने आप को सम्मान नहीं दे पा रही हूँ, लगता है कि जैसे एक फेक अपनेपन में जी रही थी। फिल्म का क्लाइमेक्स ये बिल्कुल नहीं है कि हर थप्पड़ या बहस का एंड डिवोर्स ही होना चाहिए या यही एकमात्र सॉल्यूशन है। फिल्म केवल इतना कहना चाहती है कि इस गलती का हमें एहसास तो हो और कम से कम उसे पहचाने तो सही। दोस्तों इस मूवी को जरूर देखें, ये एक शानदार मूवी। अरे कोई कैमरा इधर कर ले यार, अब ठीक है इधर हो यार मैं। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर देखें, ये एक शानदार पारिवारिक मूवी है। IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.2, जो कि एक अच्छी खासी रेटिंग है। ये अमेजन प्राइम पे अवेलेबल है। आप इसे अकेले देखना चाहें या परिवार के साथ देखना चाहें, पर देखें जरूर, क्योंकि इसका आपके लाइफ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसे लगी और मेरे रिव्यू से आप किस हद तक सहमत हैं। अगर आपने चाहा तो जल्द ही किसी और रिव्यू में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, जितना पॉसिबल हो सके आप घर पर ही रहें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।